तब कथा तप्तजीवनम शापहम शापम श्रवणमंगल श्रीमदात भुवि गृहती ये भुरीदाकुर भक्तगान के बोल रहे हैं संसार में कैसे जीना पड़ेगा जीने का कौशल बता रहे हैं दी सीक्रेट हाउ टू लीव इन द वर्ल्ड लाइफ स्पेशली फॉर दी फैमिली पर्सन्स इनकी जो व्यक्तिगत समस्या वो सुनते हुए कैसे इसको मुकाबिला किया जाए पहले तो बताया कि कामिनी कांचोनी संसार ईश्वर के भूलिए तो संसार में रहने के लिए स्त्रियॉँ के साथ रहना पड़ता है पैसा के साथ आना पड़ता है हैंडल करना पड़ता है और इससे सब फंस जाते हैं ठाकुर यहाँ पर खुलासा किया कि कामिनी कांचन हानिकारक नहीं है कामिनी कांचन में आसक्ति ही बंधन का कारण है और वो हमें ईश्वर को भुला देते हैं अब यहां पर गिरीश घोष ये प्रश्न किया कि कामिनी कांचन छाड़े कोई आसक्ति हमें छोड़ता नहीं हम क्या करें ये प्रश्न का समाधान ठाकुर अभी दे रहे हैं ये प्रश्न के साथ हम लोग शेष किया था कल ठाकुर कह रहे हैं विवेक के माध्यम से विचार शक्ति के माध्यम से इसको मुकाबिला करना चाहिए तो विवेक या विचार शक्ति ये हमारे सबके भीतर है लेकिन वो सूप्त तो है इज नॉट यूटिलाइज इसलिए या जो समाधान दे रहे हैं के जन्य भगवान का अच्छे प्रार्थना करो ये उपाय है संसार में रहने के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमारा जो विवेक भीतर में है वो सदा जागृत रहे यही प्रार्थना विवेक अभी निद्रित है विवेक को जागृत करना चाहिए तभी हम संसार में जी पाएंगे अभी ठाकुर एक उदाहरण दे रहे हैं जैसे पानी में कीचड़ रहता है मैल रहता है तो पानी से मैल हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं छाकनी छन्नी छन्नी से अगर हम पानी छन्नी में पानी डालें, क्या होगा कि मैल एक तरफ हो जाएगा पानी तरफ हो जाएगा मैल को अलग कर देगा ए सीवर सीवर होने से वो सीविंग करते हैं तो दी डार्ट एंड गुड वान्स आर सेपरेटेड तो विवेक किसको कहलाया ठाकुर कहते हैं ईश्वरी वस्तु और ईश्वरी नित्य और शव अनित एट ही जाना नामी विवेक बड़ा सुंदर सहज ढंग से बता दिया व्हाट इज दिस विवेक ईश्वरी एकमात्र नित्य है सत्य है और बाकी सब अनित्य है मिथ्या है। मिथ्या किसको कहलाता है मिथ्या इज नॉट विच नेवर एग्जिस्ट मिथ्या किसको टेक्निकल टर्म किसको कहलाता है इट इज नॉट एज इट एपियर्स टू बी समसा में सब कुछ बराबर रहेंगे इसे दिखाई पड़ता है जो बराबर रहने वाला है नित्य है इसको नित्य कहलाता है इटर्नल अरवी सत्य है वो बराबर रहेगा और जो ट्रांजिएंट है प्रतिक्षण परिवर्तनशील तो प्रति मुहूर्त उसका रूप बदलते रहते हैं वो अनित्य है हमें संसार में नित्य अनित्य का मिश्रण में भरा हुआ है हमें नित्य वस्तु ग्रहण करना चाहिए अनित्य वस्तु छोड़ देना चाहिए ठाकुर एक उदाहरण से दूसरा जगह में उदाहरण दिया चीनीते बालीते मिशेला से पिंपरे बाली छिड़े चीनी टन है तो चिट्टियाँ बालू और चीनी का ढेर अगर लगा दिया जाए उसमें से वो बालू छोड़ के सिर्फ चीनी पकड़ के ले लेते हैं अलग कर देते हैं बालू अलग पड़ा रहेगा चीनी अलग करके ले जाएगा तो इसी संसार में ये छन्नी का ज़रूरत है सेपरेशन का जरूरत है और वो हो पाएगा हमारे विवेक बुद्धि से विवेक बुद्धि का उपयोग अगर करें तभी हम शमशान में रह पाएंगे ठाकुर कहते हैं शमशान में रहने का रहस्य है ईश्वर के जेने संसार करो भगवान को जान लो जानना मतलब क्या जानना है जो वो नित्य है सत्य है वो बराबर रहेंगे पहले भी थे अभी भी है आगे भी रहेंगे संसार में जितने हमारे सांगो पांगो है कंपेनियंस है ये विचार बुद्धि से हमें साफ हो जाता है कोई तो बेवकूफ़ नहीं है अपना जो बुद्धि है वो अपने लिए हम यूज़ नहीं करते हैं पूरा दुनिया के लिए यूज़ कर लेते हैं ठाकुर कहते हैं अपने लिए तुम इसको, इसको इस्तेमाल करो वो देख लो कि तुम जिसको पकड़ के बैठे हो वो क्या पहले बराबर थे अभी कुछ दिन है आगे बराबर रहेंगे कैन इट कंटिन्यू गिव कंपनी टू यू फॉर एवर एनी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोई भी वस्तु व कोई भी व्यक्ति तुम्हारे शरीर ही तुमको उनको बराबर साथ नहीं देगा दूसरे व्यक्ति को बात क्या है तो सब कुछ प्रतीक्षण परिवर्तनशील लेकिन इसमें एकमात्र ईश्वर ही सत्य है वो पहले जैसे थे अभी भी है आगे भी रहेंगे वो तुम्हारा जन्म जन्म का साथी है अगर ये संसार में भगवान एकमात्र नित्य है तो भगवान को ही पकड़ना चाहिए तो जब विवेक हमारा जागृत हो जाता है तब वैराग्य ऑटोमेटिक होता है वैराग्य किसको कहलाता है सत्य वस्तु का ग्रहण एवं मिथ्या वस्तु का परित्याग जब अभी तो पता नहीं चलता है कौन वाला सत्य है कौन वाला मिथ्या है हम सबको पकड़ के बैठे हैं इसी को आसक्ति कहलाता है तो ईश्वर के पकड़ के रहना ईश्वर एकमात्र हमारा सत्य वस्तु है उसको कहलाता है ईश्वर में अनुरक्ति और विषय को अपना जान के विषय को पकड़ के रहना वो कहलाता है विषय में आसक्ति ईश्वर में अगर अनुरक्ति होगा तभी हो पाएगा जब हम विषय में हमारा विरक्ति होगा विषय को हम अभी मान रहे हैं अपना स्त्री पुत्र परिवार ये घर ये सब चीज़ें बराबर रहने वाला है ये गलत है जब बराबर नहीं रहेगा इसको छोड़, छोड़ छोड़ की जाना पड़ेगा इसके प्रति अब आसक्ति नहीं होगा लेकिन मन कभी अकेले नहीं रह सकता है अगर कोई सब कुछ बदलते जाते हैं तब तो इनको छोड़ना पड़ेगा इसमें से कौन छोड़ेगा नहीं भगवान छोड़ेंगे नहीं तो नेचुरली माइंड कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड ये तो हमारा बराबर का साथी है तो उस अवस्था को कहलाता है विवेक बुद्धि का प्रयोग एवं भगवान को जान लेकर सब संसार करने से वह हानिकारक नहीं है उसमें कोई आपत्ति नहीं है इसको भगवान को जान के संसार करने से कोई असुविधा नहीं होगा फंसोगे नहीं लेकिन जो वर्तमान में दिखाई जाता है ठाकुर कहते हैं कि साधारणतया वो विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है देखो ना ठाकुर कहते हैं जो स्त्रियां का कितना मोहिनी शक्ति है इट इज अ ग्रेट डिल्यूटिंग पावर ऑफ द वीमेन जो अविद्या रूपिणी स्त्रियॉँ है स्त्रियॉँ दो प्रकार का है एक विद्या विद्याारूपिणी एक अविद्या रूपिणी जो विद्या रूपिणी स्त्रियॉँ हैं वो सबको भगवान के पास ले जाते हैं और ज़्यादातर अविद्यारूपिणी स्त्रियॉँ होता है जो दुनिया के ऊपर ले जाती भगवान से विमुख कर देते हैं लेकिन उनका महिनी शक्ति है वो जो बोलेगा उसको विपरीत करना मुश्किल हो जाता है तो उसी के अनुसार चलने से हमारा विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है स्वाधीनता चला जाता है तो ठाकुर यहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं जी एक पुरुष एक नारी के साथ बैठे हैं तब तो हम सोचते हैं ये लोग तो गए अर्थात ये इनकी मोहिनी शक्ति में फंस जाएंगे और अपना जो विवेक है वो सुप्त हो जाएगा जागृत नहीं रहेगा मोहिनी शक्ति से मिसमैराइज स्पेल स्पेल ऑफ दूमेन उससे बचने के लिए ठाकुर प्रार्थना करने के लिए सलाह दे रहे हैं सो दैट वी मै नॉट बी डिल्यूडेड बाय दी पीवीचिंग पावर ऑफ दूमेन अभी कैसे होता है एक उदाहरण से दे रहे हैं ठाकुर मास्टर मशा के बोल रहे हैं एक लड़का था हारू बड़ा तेजी सुंदर आनंद पूर्ण लेकर था अभी हारू को एक प्रेतनी ने उसके ऊपर हावी हो गए एक प्रेतनी थे पेच प्रेतनी ने वो हो गया तो अभी सब कह रहे हारू कहाँ हारू कहाँ और हारू कहाँ ठाकुर कहते वो देखो जाके वो बट के नीचे जाके बैठ गया बट तोले बोस आचे हरुआ इधर उधर नहीं जाता है वो सर्वदा एक बट के बट के पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनको विश्वास है बट के ऊपर पृथ्वी निवास कर रहे हैं और पृथ्वी जैसे बोलेगा वैसे करेगा पृथ्वी अगर बोलेगा हरी हरू तुम खड़े हो जाओ खड़े हो जाते हैं बैठ जाओ बैठ जाते हैं अपना स्वाधीनता को झलांजलि दे दिया विसर्जन दे दिया किसमें उनका मोहिनी शक्ति का पीछे तभी क्या देखा गया का वो तेज नहीं है वो रूप नहीं है वो आनंद नहीं है ठाकुर बोल रहे हैं ये सब लक्षणीय बातें हैं भारो अभी को सब कुछ खो दिया एक मोहिनी शक्ति के जादू शक्ति का मोहिनी जादू शक्ति है कि शिकार हो गए तो अभी जो माना जाता है स्त्रिया का जो शक्ति है इस उदाहरण से ठाकुर स्पष्ट कर रहे हैं ये काल्पनिक है ये समझना चाहिए दि इज द क्राक्स ऑफ द प्रॉब्लम ये कोई हाँसी मजाक का बात नहीं है दि इज द रियल लाइफ प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड कि कैसे मन को भगवान में सन्निवेशित कर दिया जाए और किस कारण से नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है इसको तो ठाकुर मानते हैं सब असबध अच्छा मानते हैं लेकिन वो है एक जादू शक्ति काल्पनिक यहाँ पर ना कोई भूत है ना कोई प्रेत है उसके मन में सोच रहे हैं कल्पना कर रहे हैं कि कोई है वो हमारा बड़ा प्यार है प्यारा है एक प्रेतनी है उसका क्या रूप है क्या जो अगर आप विश्लेषण करें सही ढंग से विश्लेषण करें एक जीता जागता इंसान क्या वही कोई अलौकिक भूत प्रेत का में हो सकता है लेकिन उनके विचार बुद्धिया भी लोप हो गया ये सोल्ड हिज इंटेलेक्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन इसका खिलाफ ही कहा जा रहा है कि ये कभी होना नहीं चाहिए अपना स्वाधीन विचार शक्ति जो भगवान दिया है उसको सदा जागृत रखना चाहिए और ये जो काल्पनिक मोइनी शक्ति है दूर किनार कर देना चाहिए सर्वदा ये सोचना चाहिए विचार होना चाहिए कि ये कि हमारे लिए बराबर है बराबर रहेंगे टिकने वाला है कोई भी चीज़ हमारा लिए तो बराबर नहीं रहेगा ये तो पहले भी नहीं था जो पहले नहीं था तो बराबर नहीं रह सकता है यो ही संस्पर्श जब होगा दुख को जो नहीं यही बती आद्यंत बंत कोंतीय नातीशुरा मत बुध गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सुख भोग संस्पर्श जनित है जिसका शुरुआत है उसका अंत होगा ही जो संस्पर्श जनित जो भोग है वो अवश्य दुख को उत्पादन करेगा दुख को जो न एवते दुख को उत्पादन ही होगा क्योंकि बराबर रहेंगे नहीं कैसे आदि आंतरता कौन थे जिसको आदि है उसका अंत होगा विच ए स्टार्ट इट मस्ट एंड इट कैनॉट कंटिन्यू फॉर एवर नथिंग इज परमानेंट नॉट इवन इन अवर बॉडी एंड माइंड मात्र भगवान ही बराबर रहने वाले हैं तो भगवान के सिवा जो कुछ है वो वर्जनीय है उसमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए उसको पकड़ के नहीं रहना चाहिए पकड़ के रहने का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा वही छोड़ देगा जो बराबर नहीं था तो जो बराबर रहने वाला है वो एक पत्र भगवान है यही है विवेक और हारुओ का जैसे अवस्था है जो साधारण आदमी का एक सांकेतिक रूप से दिया है कि एक काल्पनिक जो आवेश उनका मन का स्वाधीनता उनका जीवन का सर्वस्व समर्पण कर दिया सोचना चाहिए उसको क्या बचा बर्तला में बैठ के का सब कुछ जो समर्पण किया अपना तेज अपना रूप अपना आनंद सब कुछ खो बैठा है फॉर वाट ये चिंतन होना चाहिए इसी को विचार कहलाता है इसी को विवेक कहलाता है ये है छन्नी छंकनी गिरीश जोश को बताया इससे तुम बच सकते हो जो विवेक रूप जो छन्नी भगवान हमें दिया है इसका पूरा दस्तुर उपयोग करना चाहिए जब उसको हम उपयोग करेंगे तब शमशान में हमको पता चलेगा कि भगवान ही हमारा एकमात्र सत्य है और ये भगवान को पकड़ के शमशान में रहने से कोई हानि नहीं है शमशान में स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ रहें उसमें आपत्ति क्या है लेकिन वो बराबर रहेगा उसको पर आसक्ति हो गया उसके लिए हम सब कुछ खो बैठे ये गलत है भगवान को ही पकड़ के रहना भगवान के धोरे संसार करो ये तो उनका विचार है ईश्वर को पकड़ के करो दूसरा किसी को पकड़ो नहीं क्योंकि वो रहने वाला नहीं है वो तो हो जाएगा तुम गिर जाओगे जिसको पकड़ रहे हो वो तुम्हारे लिए बराबर रहने वाला होना चाहिए वो एकमात्र ईश्वर है ईश्वर को पकड़ के अगर शमशान में रहोगे तब तुम्हारा कोई असुविधा आपत्ति नहीं होगा कोई हानि नहीं होगा नहीं तो हारू का जैसा अवस्था हो जाएगा जो जिस उप्रैथनी में प्राप्त है उसका सब कुछ खो बैठेंगे ये विचार बराबर सदा जागृत होना चाहिए ठाकुर कैसे और भी एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे जो स्त्रियाँ का जो आवेश में रहने कर कैसे आदमी का अवस्था दहनीय हो जाता है उसका भी एक उदाहरण आगे दे रहे हैं जिसका भी इस तरह हम अगले दिन करेंगे ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पण आज रविवार का अवसर है जप यज्ञ है सुबह से शाम तक जिसको जहाँ पर समय निर्धारित है अभी विंटर शेड्यूल है सुबह पाँच बजे से शाम को आठ बजे तक जब जिसका समय निर्धारित है उस समय में बैठ के भगवान का नाम स्मरण वरन करेंगे और शाम को सामूहिक भजन के परिवर्तन में काली कीर्तन होगा क्योंकि अगले बृहस्पतिवार चार तारीख सारा व्यापी काली पूजा उसका प्रस्तुति काली कीर्तन का लिपि दिया जाएगा हम लोग सब बैठ के काली कीर्तन में आंस लेंगे अच्छा रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार